हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटेट का नोटिफिकेशन 2022 में जल्दी आने वाला है। आप लोग को मैं सीडीपी की क्लास लूँगा। सीटेट के प्रश्नों को कैस मेथड से हल किया जाए, तो आज मेरा थोड़ी देर के लिए वीडियो रहेगा कि सीटेट 2022 में कम पढ़ने के बाद भी सीटेट 2022 कैसे पास करें। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से 9 ट्रिक दोस्तों ऐसे हैं जिसको यदि आप फॉलो करें तो सीटेट बहुत ही इजी निकल जाएगा। आपको कम पढ़े शब्दों से भी, कम पढ़े किताबों से भी आप सीटेट निकाल सकते हैं। सबसे पहला देखिएगा कि आपके अनुसार जो विषय आसान लगे वो आपको पहले करना है। सीटेट में एक प्रॉब्लम ये होती है कि दो बुकलेट मिलता था और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते थे और कभी भूल से 1 का 2, 2 का 1 में कर लेते थे। तो अब ऐसा नहीं है क्योंकि इस बार, पिछली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, वो समस्या दूर हो गई। इसलिए यह नियम, पहला जो आसान था, जो आसान सब्जेक्ट है वो पहले करना है, यूपी टेट में लागू होता था, स्टेट टेट में, लेकिन अब जो है ऑनलाइन होने की वजह से ये आपके सी टेट में भी लागू होगा। यानी 150 प्रश्नों में जो प्रश्न आपको आसान लगे, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगे, पहले उसको आंसर देना है, ठीक है। दूसरा देखिएगा मित्रों, आसान प्रश्नों के लिए आपको अधिक समय देना है। याद रखिएगा, आसान प्रश्न के लिए अधिक समय देना है और आसान प्रश्न यदि आप गलत कर देंगे तो हम कंपटीशन से बाहर चले जाएंगे। जो पेपर कठिन होगा वो सबके लिए कठिन होगा। कठिन पे बहुत ज्यादा आपको समय नहीं देना है। कठिन के लिए एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं कि और कठिन प्रश्नों का जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा, खासतौर पर सीटेट में जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा, जो बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश किया गया है, उसी को आप ट्रिक लगाएंगे। तीसरा दोस्तों है कि ऐसे प्रश्नों में जिसमें चारों विकल्प में चौथा विकल्प उपरोक्त सभी दिया गया हो तो उपरोक्त सभी वाला लगा देंगे। एक तो समय कम रहता है सीटेट में, आप क्या करिएगा, उपरोक्त सभी चौथा विकल्प जो होता है उसे लगा दीजिएगा। 90% चांस है कि वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अगर समय है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मित्रों चौथा है कि उपरोक्त दोनों विकल्प ऑप्शन ही सही करना है। अगर जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया हो कि कोई आप क्वेश्चन लिखा हो और उसमें ए दिया हो, बी दिया हो और सी में दिया हो, उपरोक्त दोनों और डी में दिया हो कोई नहीं, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों में हमेशा सी वाला ही विकल्प होता है जिसमें लिखा रहता है उपरोक्त दोनों, ठीक है। पांचवा देखिएगा, अगर आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं, मैक्सिमम तो आज जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या स्टेट सुपर टेट में आपको प्राइमरी के लिए ही होगा, तो यदि आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हो तो याद रखिएगा कि पेपर का आंसर देते समय आप जो अध्यापक हैं वो बाल्यावस्था के, यानी 6 से 12 वर्ष के, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के हिसाब से आपको आंसर देना है, आंसर सही जाएगा, ठीक है मित्रों। छठवें पाते हैं, छठवां है चारों ऑप्शन में से जो अलग ऑप्शन लग रहा हो सीटेट में। याद रखिएगा अभी जो 2022 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उस हिसाब से जो कुछ सिलेबस तो बदले गए हैं, फिर भी ये नियम उस पर लागू होगा कि चारों ऑप्शन में जो अलग ऑप्शन लग रहा हो, जिस ऑप्शन को ज्यादा समझाने का एग्जामिनर कोशिश कर रहा हो, उस ऑप्शन का आप चुनाव करिए, आपका प्रश्न निश्चित ही सही हो जाएगा। सातवें पे आते हम लोग, यदि प्रश्न कठिन लगे, याद रखिएगा प्रश्न बनाने वाली जो समिति होती है उनके कुछ रूल होते हैं, यदि प्रश्नों की कठिनाई स्तर को बढ़ाया जाता है तो ये निश्चित है कि ऑप्शन के कठिनाई स्तर को कम किया जाता है। यदि ऑप्शन के कठिनाई स्तर को लंबा किया जाता है या कठिन किया जाता है तो ये निश्चित है कि प्रश्न के कठिनाई स्तर को कम किया जाता है। उसी चीज को इसमें समझाया जा रहा है, यदि प्रश्न कठिन लगे तो समझना ऑप्शन पर जोर देने पर सही ऑप्शन का चुनाव हो जाएगा, लेकिन प्रश्न आसान लगे तो आप समझना कि ऑप्शन कठिन होगा, इसको आराम से ध्यान से पढ़ने लायक है। आठवां देखते हैं, खुद पर विश्वास रखिए, परीक्षा से पहले पढ़ाई किए हो या न किए हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। परीक्षा हाल में आपका 150 मिनट कैसा बीतता है सारा डिपेंड उस पे करता है। इसलिए सीटेट को पास करने की यह ट्रिक मेरे वर्षों के अनुभव के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। जिन लोगों ने इसको फॉलो किया वो कम पढ़ के भी पास हो गए। आखिरी मित्रों पॉइंट हम बताते हैं आपको कि प्रश्नों में उन्हीं विकल्पों का चुनाव करना है। सबसे पहले मित्रों ये कहेंगे कि आपका परीक्षा तक मैं सीडीपी पढ़ाऊंगा और आपको अपने हिसाब से बिल्कुल आसान शब्दों में आपको सीडीपी कोर्स पूरा करूंगा। सभी वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, समय मिले शेयर करिए।
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको निश्चित ही गारंटी देके पास कराऊंगा, लेकिन जिस विधि से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पास करने की तरीका मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो मेरा वीडियो रहेगा सीटेट सीडीपी के लिए, आसान शब्दावली से मैं शुरू करूंगा कि सीटेट में जो शब्दावली आता है उस शब्दावली को पकड़ते हुए कैसे प्रश्नों का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव रहा है यदि प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ आपको क्लियर नहीं है तो कभी भी आप सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर सकते। मित्रों आते देखते हैं नौवां, प्रश्नों में उन्हीं विकल्पों का चुनाव करना जिसमें शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्य कार्यक्रम, करके जोर देने वाले सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं के अधिगम पर जोर, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक बढ़ाने वाला ऑप्शन, क्रिएटिव चाइल्ड को उत्पन्न करने वाला ऑप्शन, संज्ञानात्मक ज्ञान, वह ज्ञान जो बालक स्वयं के अनुभव से सीखे पर जोर आदि दे, उस ऑप्शन को चुनाव में जरूर शामिल किया जाता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद मेरी क्लासेस जो भी रहेंगे और इसके बाद जो है सीडीपी की आसान से शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।